झुंझुनू पुलिस ने झुंझुनू शहर के रोड नंबर 3 पर स्थित सुंदरम विद्या विहार स्कूल में बने परीक्षा केंद्र में डमी कैंडिडेट को दूसरे कैंडिडेट की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि सुंदरम स्कूल में बने परीक्षा केंद्र में अजय कुमार पुत्र श्रवण कुमार के नाम अभ्यर्थी जगह कोई दूसरा परीक्षा दे रहा है, जिस पर चिड़ावा DSP सुरेश शर्मा तथा शहर कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा के नेतृत्व में टीम ने दबिश दी और अजय कुमार नाम के अभ्यर्थी की तलाश की। जिस कक्षा कक्ष में अजय की शीट थी वहां परीक्षा पर दे रहे युवक से पूछताछ की तो वह शक पक्का गया और उसने बताया कि वह अजय नहीं है बल्कि संदीप है। इसके बाद पुलिस ने उसे कक्षा कक्ष से लाकर स्कूल में ही अलग से पूछताछ की, जिसमें प्रारंभिक जानकारी में बताया कि वह चूरू जिले के सिद्धमुख क्षेत्र के गागड़ा गांव का रहने वाला संदीप कुमार पुत्र किशनलाल है। अभ्यर्थी अजय कुमार पुत्र श्रवण कुमार उसका दोस्त है। वह अपने दोस्त की जगह परीक्षा देने आया है। SP मर्दुल कचाओ ने बताया कि दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा जो कि जिला झुंझुनू में भी आयोजित की जा रही थी, उसमें एक फर्जी अभ्यर्थी जो है जिला पुलिस द्वारा आसूचना के आधार पर पकड़ा गया है तथा इसके अलावा जिस व्यक्ति के स्थान पर वो परीक्षा दे रहा था उस व्यक्ति को भी पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है। दोनों ही व्यक्ति संदीप तथा अजय, इनसे वर्तमान में पूछताछ पुलिस टीम कर रही है और मुकदमा जो है आवश्यक धाराओं में इसमें दर्ज किया जा चुका है। अग्रिम अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झुंझुनू तेजपाल सिंह जी द्वारा किया जा रहा है और मुकदमे का जो भी निष्कर्ष रहेगा, अनुसंधान का जो भी निष्कर्ष रहेगा, वो आपसे साझा किया जाएगा। फिलहाल इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया है। ये एक अनुसंधान का विषय है कि किस कारण से और किस उद्देश्य से, और यदि कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पैसे की एवज में ये व्यक्ति बैठे थे, किस कारण से बैठे थे, ये अनुसंधान के बाद, पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा।